गाजीपुर समेत पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों के मिलने का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक नए मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश भर में कोरोना संक्रमण के 8,380 नए मामले मिले हैं। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,82,000 को पार कर गई है। गाजीपुर में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले मिले हैं। हालांकि इस बीच पुराने संक्रमितों में से 34 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस हिसाब से देखें तो गाजीपुर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 105 हो गई है, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 71 है। गाजीपुर में मिले 2 नए मरीजों में से एक की उम्र 38 साल है और दूसरा अभी महज 12 साल का है। ये दोनों पेशेंट असिम्प्टोमैटिक हैं, यानी इनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे थे। ये दोनों मरीज अगापुर बिरनो थाना मनिहारी गाजीपुर के रहने वाले हैं। 23 मई को इनका सैंपल टेस्ट के लिए लिया गया था। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण से 193 लोगों की मौत हो गई है। अब तक मरने वालों की संख्या 5,164 है। पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण को लेकर विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का रास्ता लंबा है। पीएम ने कहा कि एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसका पहले का अनुभव ही नहीं है। ऐसे में नई नई चुनौतियां और उसके कारण परेशानियां हम अनुभव कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हम सभी को ध्यान रखना है कि कठिन लड़ाई के बाद हालात संभले हैं। उन्होंने सभी से सावधान रहने की अपील की है। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान विश्व भर के नेता उनसे योग और आयुर्वेद के संबंध में पूछ रहे हैं। पीएम ने कहा कि योग कम्युनिटी इम्यूनिटी और यूनिटी के लिए अच्छा है। साथ ही उन्होंने कई तरह के आसन जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम के अलावा भस्त्रिका, शीतली और ब्राह्मणी का भी जिक्र किया है। जाहिर तौर पर पीएम योग और आयुर्वेद को जीवन शैली बनाने का संकेत दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से सैनिटेशन यानी हाथ धोते रहने, मास्क पहनने, 2 गज की दूरी मेंटेन रखने की सलाह दी है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।